इस देखो मैंने कितने सारे अमरूद बेकार कर दिए, मैं दिखाता हूँ। देखो ये रे, कितने सारे अमरूद बेकार कर दिए, वो भी तो गैस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं जा रहा हूँ आज बाग में। आज मैं ब्लॉग की शूट जो शुरुआत की है वो मैं अपने घर से की है। मैं आ गया था सुबह उठ के घर पर, तो मैंने कहा मन बनाते हैं चलते हैं ब्लॉग भी शूट करते हैं, दिखाते हैं आपको पौधे कितने बड़े बड़े हो गए अमरूद के, वहाँ पे वेजिटेबल्स के बीच कितने जमे कितने नहीं जमे वो सब दिखाऊंगा मैं कैसे क्या है। और उस पर जो अमरूद जब आए होंगे वो भी तोड़ने हैं मुझे, तो मैं देखता हूँ और दिखाऊंगा कितने बड़े हैं जो फूल रहे अमरूद। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, फॉग सा हो रखा है और बादल हो रखे हैं, कर रहे थे बादल हैं। कल शाम को धूप निकली थी और सुबह तो निकली नहीं थी, सुबह तो बारिश हुई थी, धूप नहीं पड़ रही थी, और आज भी बादल बहुत ज़्यादा है। मैं पहुंच गया हूं रोड पर, मैं रोड पर, और देख रहे हो रोड की दोनों तरफ की सफाई बहुत अच्छी हो गई है और अच्छा लग रहा है रोड काफ़ी। भाई इस पर वाहन इतने चलते, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ रहती है, ट्रैफिक बहुत रहता है इस रोड पर, और आने में भी डर लगता है। मैं सुबह पैदल पैदल आया हूँ क्योंकि वॉक भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, बाघ भी दिखाएंगे। जो कि बहुत लोग बहुत तेज लेके जाते हैं, बाइक हैं और इस पर थ्री व्हीलर भी चलते हैं, ऑटो, और बहुत ज़्यादा इस पर क्या है कि बहुत ट्रैफिक रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और सफाई देखो कितनी अच्छी सफाई कर रखी है दोनों तरफ की, देखो ये कितना क्लीन कर रखा है। इसकी जो घास वास है वो काट रखी है साइडों से, दोनों साइडों से, और कितनी चौड़ाई लग रही है इसकी। जब घास फिस होती है तो यहाँ बचने की जगह नहीं होती, फिर रोड पे ही बचा जाता है। अब जो पैदल वाले हैं वो इस पर रोड पे बच सकते हैं साइड में जाके। और देखो कितना फॉक फॉक सा हो रखा है, मैं दिखाऊँ आपको। ये पूरा फॉग हो रखा है, बादल हो रखे बहुत घने, सामने देख रहे हैं आपको कितना कोहरा सा दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है फिलहाल में अब ज़्यादा। और ये देखो इधर भी, मैं आ गया हूँ बाग पे, और बाग ये रहा सामने, मुझे इसमें एंट्री होनी है मेरी। मैं घुस गया बाग में और देखो मैं दिखाता हूँ आपको बाग जाके, और अभी बाहर से दिखाता हूँ मैं। देखो पूरे कितना अच्छा, जो पेड़ सूख रहे थे वो कितने अच्छी किल्ली दे रखे, हरे हरे हो गए अमरूद के जो पौधे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जो फल ये वाला आ रहा है ये हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर फल जो बड़ा हो जाएगा तो ये पौधा जो है, ये अमरूद जब वजन होगा तो ये टूट जाएगा और ये ग्रोथ भी नहीं करेगा, क्योंकि जब फल में जब एनर्जी जाएगी पौधे की तो फिर ये पत्ते कहाँ से देगा, इसलिए मुझे ये तोड़ना है। और ये मैंने तोड़ दिया, ये देखो, ये देखो मैं और दूसरे पेड़ की तरफ आया हूँ, अच्छे बढ़ रहे हैं पेड़ देखो। ये अभी इनको एक महीने के समलंग हुआ है। गाइस इस वाले पौधे पर देखो दो दो अमरूद आ रहे हैं, दो दो, इतने ऐसे पे जब दो दो अमरूद आ रहे हैं तो ये बड़ा होगा तो कितने आएंगे। ये देखो ये मुझे तोड़ने हैं, ये मैंने तोड़ दिया, ये देखो इस वाले पे तो तीन है, एक ये तोड़ दिया और एक इधर है ये, और एक ये रहा, इस पे तीन है, तीन पौधे देखो मैंने तीन तोड़े, ये पांच हो गए मेरे पास। इस वाले पे एक और रह गया, वो दुबका रह गया देखो इधर साइड में, ये रहा, ये भी तोड़ना है मुझे। पहले मैं सारे पौधे चेक करता हूँ, और पहले इस पे जो फल आ रहा है वो तोड़ता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। ये है आम का पेड़, और मैं आपको दिखाता हूँ एक अद्भुत चीज़, ये देखो आम के पेड़ की खुल्लाड़ में पीपल का पेड़, ये देखो पीपल का पेड़ कितना अच्छा निकला हुआ है, और ये मुझे उखाड़ना है। ये तो टूट गया उखाड़ने की जगह, ये देखो इस देखो मैंने कितने सारे अमरूद बेकार कर दिए, मैं दिखाता हूँ। देखो ये रे कितने सारे अमरूद बेकार कर दिए, वो भी 3 से 6 इंची के पौधे के अमरूद हैं ये, और वो भी एक पौधे पर कम से कम मिनिमम, जिस पे पत्ते तो 3-4 थे लेकिन अमरूद 5-6 थे। ये मैंने तोड़ दिए सारे, क्यों अब इसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों तोड़े मैंने। इसका रीज़न था क्योंकि इसलिए तोड़ दिए कि पौधे थे छोटे, और जब ये अमरूद 300 ग्राम से 600 ग्राम तक का जब होता है तो पौधे का क्या था, वो छोटा पौधा 3 से 6 इंची का पौधा वो टूट जाता है, वो ग्रोथ नहीं करता, और पेड़ जो पौधे में दम नहीं पड़ती, तो ये मुझे तोड़ना पड़ा। क्योंकि जब अमरूद बड़ा होता तो सारी एनर्जी अमरूद ले लेता, तो पौधे में क्या एनर्जी रहती, इसलिए ये हमें तोड़ने पड़ते हैं पहले। ये फसल हमें बिगाड़नी पड़ेगी जब तक पौधा कम से कम मिनिमम 3 से 4 फुट का ना हो जाए,
उसके बाद हमें ये फसल रखनी पड़ेगी, हमें कम से कम एक साल तक यही करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी फसल आगे की तैयार होगी। नहीं तो हमारे पौधे जो हैं वो अमरूद जब बढ़ेगा फसल बढ़ेगी तो वो पौधे हैं वो टूट जाएंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे अच्छे से। और जबकि अभी से 3 से 6 इंची के पौधे पर अभी से 3-4 अमरूद लगे हुए हैं, अब सोचो आप कि जब बड़ा होगा पौधा तो कितना अमरूद आएगा और कितना वजन होगा उसमें, ये सोचने वाली बात है। जब ये अभी से जड़ से अमरूद निकल रहे हैं इसमें, जब बड़ा होगा तो क्या होगा। जबकि ये अमरूद मैंने सिर्फ 30 से 40 पौधों के तोड़े हैं और ज़्यादा पौधे के मैंने अमरूद नहीं तोड़े, मिनिमम मैंने गिनती भी नहीं की थी, जबकि वो कम होंगे अनुमान से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो अभी जो नए पौधे और लगे थे वो तो मैंने छोड़ दिए, जो पुराने पौधे लगे हैं ये उनका फल है, जो पौधे पहले लग चुके हैं उनका, और बाद में जो लगे उन पर तो कोई फल नहीं था अभी, क्योंकि वो अभी जो हैं वो अभी उन्हें अभी दूसरा पानी मिला है, और जो पौधे पुराने लग चुके थे उन्हें तीसरा पानी मिल गया। और मैं अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, हमने बाग में क्या क्या कर रखा है वो भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स के बीज तो जमे नहीं है। और दो चीज़ और हैं वो दिखाऊँगा मैं, वो कितनी हरी भरी निकल रही हैं, हरे भरे हो रहे हैं वो पौधे, वो दिखाई दे रहे होंगे। वो टमाटर के पेड़ हमने लगा दिए, कितने अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये देखो, कितने हरे भरे पौधे हैं ये। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, हमने ये दो क्यारियों में कर रखे हैं पौधे टमाटर के, और ये देखो ये हमने कर रखे हैं अरबी भी निकल रही है, अरबी के पत्ते देखो पानी भरा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखो। यहाँ से हमने अरबी वहाँ तक कर रखी हुई है जो लास्ट दिख रहा है, क्योंकि ये अरबी ठीक रहती है खाने में, सही है, अपनी जगह है तो कर लो साग सब्जी। मैं आपको एक और चीज़ और दिखाऊंगा कि किसी चीज़ को जब खाने पीने को मिलता है तो वो अच्छी हेल्दी और हर तरीके से अच्छा होता है, चाहे इंसान हो चाहे पौधा हो चाहे फसल हो जो भी हो। और मैं दिखाता हूँ हमारा बाग जो सूख रहा था वो पानी मिलने के बाद कैसा ग्रोथ कर रहा है और कैसे अच्छे नए पत्ते आ रहे हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जबकि पौधे ये पेड़ थे सारे सूख रहे थे, और देखो पूरा बाग अब जबकि इसमें अब तीसरा पानी लगा है, और जबकि इसमें 8 दिन बाद पानी लगता रहेगा तो कितना अच्छा होगा। जो पेड़ सूख गए हैं वो तो सूख गए हैं, लेकिन जो नीचे से अभी भी हरे हैं वो भी अभी पत्ते दे रहे हैं, नए नए पत्ते दे रहे हैं। जैसे अब ये पेड़ सूख गया, ये वाला क्या है, ये अब किल्ली नहीं देगा, जो अब वो जैसे वो सूख रहा है उसमें कुछ जो है उसमें कुछ लकड़ियाँ निकली हुई हैं वो भी, तो वो तो क्या हरी हैं और किल्ली दे रही हैं जो टहनियाँ हैं वो। आपको बाग में जो दिख रही है घास वास दिख रही है वो सब साफ़ करानी पड़ेगी हमें, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, तो ये सब साफ़ करानी है। मैं निकला हूँ बाग से बाहर रोड की तरफ, गैस इस रोड के दोनों तरफ क्या है कि पेड़ पौधे हैं, और जो पतझड़ हो गए थे अब वो नई किल्ली भी दे रहे हैं, बारिश भी हो रही है तो अच्छा मौसम, धुल भी गए पेड़ पौधे वो। और रोड की साफ़ सफाई होने के बाद देख रहे हो कितना चौड़ा लग रहा है ये रोड, क्या कितना बड़ा है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब बचने की भी जगह होगी लोगों के लिए, और ये बहुत ज़रूरी भी था साफ़ होना, और ये रोड चलता भी काफ़ी है। गैस ये देखो सीजन के छोटे छोटे पौधे हैं वो कितनी अच्छी किल्ली दे रहे हैं वो, और ये देखो कहाँ है रोड के बिल्कुल बगल में है, क्योंकि इन पर बचने में बड़ी दिक्कत होती है और ये सही भी नहीं है, जब बड़े होंगे तो बहुत दिक्कत करेंगे ये। मैं आ गया खेत पर, और क्योंकि जो मक्का लाश में बोई थी वो कौए उखाड़ते, इसलिए मैं खेत पर आया था। और आज सबसे बड़ी बात बादल नहीं हटे पूरे दिन, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और दोपहर तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी भाई मेरे पूछो मत, जैसे पेड़ टूट जाएंगे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, और अभी भी चल रही है, जैसे कहीं ओले वोले पड़ गए बारिश हो गई है, तो उस हिसाब से ठंड काफ़ी है, एक बार को ठंड बैक मार गई है, जैसे कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। गैस अब मैं जा रहा हूँ घर, शाम के बज चुके हैं 6, तो लेट हो जाऊंगा मैं, अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले ही निकल जाता हूँ 6 बजे। और बादल हो रखे हैं वैसे भी, तो वैसे भी दिन नहीं पता चल रहा कि कितना दिन रह गया है, और जाना घर पे, तो अब चलते हैं घर। अच्छे से आ गया मैं घर, वीडियो करता हूँ मैं एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।